हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल, है ना। स्टे सेफ, स्टे फ्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अपन इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अपन सारे के सारे मेथड्स को देख चुके हैं। स्टार्ट करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर से खत्म हो जाएगा ना ये वाला, उसके बाद में मैं ना आपको पूरा का पूरा रिविजन दे दूंगा कि आप कौन से अपन ने प्रोसेस पढ़े, कैसे कैसे पढ़े, सब कुछ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझ में आ जाएगा, मैं एक एक करके एक्सप्लेन भी करता रहूंगा आपको। सबसे पहला है, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड आयरन एंड पाउडर्ड सल्फर, पाउडर्ड आयरन कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ। पाउडर्ड आयरन, लोहा अपना, आयरन जो होता है ना, वो किसकी वजह से सेपरेट होता है, याद करो एक एक करके, धीरे धीरे आराम से सोचो। आयरन है, आयरन का प्रॉपर्टी क्या है, कुछ भी याद है? लोहे को कैसे अपन बाहर निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, भूल गए, मैग्नेट यूज करके अपन उसको बाहर निकाल लेते थे। अगला है अपने पास में, विनोइंग इज यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज सो लाइट दैट इट कैन बी ब्लोन विद डैश। याद करो एक बार, विनोइंग प्रोसेस क्या है, विनोइंग नाम का कोई प्रोसेस तुम्हें याद आ रहा है? याद करो, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। एक प्रोसेस था जिसके अंदर अपन ने बहुत सारा वो लिया था, और क्या, अपन ने गेहूं लिया था, एक बर्तन लिया था, गेहूं लिया था, उसको नीचे की तरफ डाल दिया था। अब क्या होता था, हवा तेज आ रही होती है, वो उस जो हल्की चीजें होती है, जो उसका अंदर का कचरा होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते, उसको बाहर दूर की तरफ ले जाता है, और जो गेहूं होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो नीचे के नीचे गिरते रहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, विनोइंग इज यूज्ड, विनोइंग अपन यूज करते हैं जब एक कंपोनेंट जो होता है उस मिक्सचर का, वो जो हल्का वाला, इतना हल्का होता है कि वो हवा में वो उड़ा लिया जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। किसकी मदद से जाता है? अरे एयर की मदद से जाता है। किसकी वजह से? एयर की मदद से, AIR, एयर। समझा कैसे? विनोइंग याद आ गया ना, क्या था विनोइंग। अगला है अपने पास में, सीविंग इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विच आर ऑफ डैश साइज। याद करो सीविंग, सीविंग एक प्रोसेस था, अपन छन्नी यूज करते थे, है ना, छन्नी के अंदर मतलब ऐसे गेहूं मान लो रखा था, उसको ऐसे ऐसे करते थे, जो गेहूं गेहूं होता था नीचे गिर जाता था, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते थे वो छन्नी में बाहर रह जाते थे। चलो एक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ सीविंग का। आपने कभी घर बनाते हुए, मतलब जो अपन ऐसे घर बनाते ना, घर पे अपने, अरे बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाते क्या, अगर आपके सबके घर बने होंगे ना, कभी गए हो प्लॉट वगैरह पे जब घर बना रहे हो, तो जो वो मजदूर लोग होते ना, वो गंदी वाले, वो जो पूरी मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी में बहुत सारे कंकड़ वंकड़ होते हैं, उसको साफ कैसे करते हैं? एक बड़ा सा ऐसा एक ना, एक बड़ा सा इस टाइप का एक जाली टाइप लगा होता है, उसमें जोर से मिट्टी को फेंकते थे, जोर से मिट्टी को फेंकते थे, तो जो मिट्टी मिट्टी होती थी वो नीचे गिर जाती थी अच्छी खासी, और जो बड़े बड़े कंकर होते थे वो बाहर रह जाते थे, ऐसे साफ करते थे, वो प्रोसेस को सीविंग बोलते हैं, है ना। तो सीविंग अपन यूज करते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट, सेपरेट वाला अलग करना, कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर में से, जो कि कैसे हो, लार्जर साइज के हो, बड़े साइज के, क्या आ जाएगा, लार्जर साइज। अगला है आयन डैश एंड डैश आर मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल याद है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में समझाया था, तीन एग्जाम्पल थे मैग्नेटिक्स के, ठीक है। एक था आयरन, दूसरा था निकल, NICKEL, निकल, वो निकल वाला निकल नहीं, निकल एलिमेंट है, ठीक है। और तीसरा था अपने पास में कोबाल्ट। तीन थे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब, ऐसे सब्सटेंस है ये तीन, जिनको अगर आप मैग्नेट के आसपास लेके जाओगे तो वो उससे आके चिपक जाएंगे। कौन से? आयरन, निकल और कोबाल्ट। अगला है अपने पास में, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ द हैवी सॉलिड्स एट द बॉटम इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है, समझोएगा, तब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हैवी सॉलिड्स होते हैं वो बिल्कुल नीचे की जो लाइन है ना, वहां पे आके चिपक जाते हैं। डायग्राम बनाता हूं मैं, आपको याद आ जाएगा कि किस चीज की बात हो रही है। खुद से एक बार सोचो किस चीज की बात हो रही होगी। ये एक अपने पास में, ये एक अपने पास में बड़ा सा टब है, टब के अंदर पूरा पानी है, टब के अंदर क्या है, भर भर के पानी है। अपन ने इसमें डाल दिया मिट्टी, मिट्टी के छोटे छोटे कण डाल दिए। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मिट्टी के कण भारी होने की वजह से आके यहाँ नीचे जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इस प्रोसेस, इकट्ठे होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है,
सेडिमेंटेशन, याद आया? सेडिमेंटेशन, स्पेलिंग है ढंग से देखना, स्पेलिंग एस ई ठीक है, सेडिमेंटेशन कुछ देख रहा था ना. डैश इज अ कोएगुलेंट एजेंट. कोएगुलेंट एजेंट याद है, अपन ने एक प्रोसेस पढ़ा था कोएगुलेशन एंड लोडिंग. उसके अंदर क्या होता था कि जैसे अपना पानी वानी का एक है जिसके अंदर एक लिक्विड है, उसके अंदर क्या ऐसे पार्टिकल्स हैं जो छोटे भी हैं और अलग भी है, जो उसके अंदर पूरे डिजोल्व नहीं हुए, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है, इतने लार्ज नहीं है कि वो नीचे जाके अटक जाए. जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं, नीचे जाके चिपक जाते हैं, जिसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, है ना. तो इतने बड़े भी नहीं है जो कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कर ले, तो उनके लिए क्या यूज किया जाता है, एलम. एलम नाम की एक चीज यूज करी जाती है, वो जाके उन 10 पार्टिकल से चिपक जाते हैं और उसका साइज बड़ा हो जाता है और फाइनली वो नीचे जाके जम जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं. तो ये कोएगुलेटिंग एजेंट कौन सा है अपना, एलम, ए एल यू एम, एलम. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क. क्रीम जो है वो मिल्क से कैसे सेपरेट कर, मैं आपको बताता हूँ क्या अपना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मतलब कि चीज क्या है, प्रोसेस क्या है वो समझाता हूँ. आप नाम याद करना, अपने आपसे मन में सोचो उसको क्या बोलते हैं. क्रीम को कैसे, अपन दूध को जोर जोर से ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, जिसकी वजह से जो भारी चीजें होती है वो जाके दीवार, उसके जो कोने, उसकी जो बाउंड्री होती है ना, उस पे चले जाते हैं, क्योंकि वो भारी होते इतनी तेजी से, और जो हल्का दूध होता है वो बीचों बीच रह जाता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन, अरे यार समझ नहीं आ रहा होगा ना, अभी कभी मेरी आईटी मुझे नहीं समझ में आती, तुम्हें कैसे समझ में आएगी. इसको बोलते हैं सेंट्री, सी ई एन टी आर आई एफ यू जी ए टी आई ओ एन, सेंट्रीफ्यूगेशन. समझ गए, ये थे अपने फिल इन द ब्लैंक्स. पता नहीं ये पॉइंट्स रिमेंबर के ऊपर कैसे आ गए, रबर तो नीचे आते थे ना, अपनी बुक है पता नहीं कहीं छाप देते हैं. चलो आगे समझते हैं. टिक करेक्ट मार्क ऑप्शन, चारों वर्ड मैंने अलग अलग बोला, मुझे भी समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला. टिक मार्क द करेक्ट आंसर, टिक करने तो करेक्ट आंसर है. पहला है अपने पास में, अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय, सैंड और आयोडीन को. प्रोसेस क्या, प्रोसेस में समझा देता हूँ वापस से. इसके अंदर क्या होता है, ये अच्छा आंसर है सब्लिमेशन. ठीक है, ये सब्लिमेशन क्यों है इसका आंसर, क्योंकि सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जब दो अलग अलग एलिमेंट जो अलग अलग सॉलिड है साथ में रखे, जैसे कि आयोडीन है और आयोडीन का पाउडर है पूरा और सैंड का पाउडर है पूरा, मिट्टी है सारी, मिट्टी के अंदर आयोडीन के पाउडर पड़ा. अब क्या किया जाता है, उनको गर्मी दी जाती है. अब गर्मी देने पे एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें वो मेल्ट हुए बिना, पिघले बिना भाप बन जाते हैं. भाप बन जाते हैं, वो अलग से ऊपर निकल जाता है, जो नीचे बच जाता है वो सैंड बच जाता है. आयोडीन जो है वो भाप बन के ऊपर चला गया, सैंड अलग से यहाँ पे रह गया. इस प्रोसेस को बोलते थे सब्लिमेशन. और अगर वहां कोई लिक्विड होता और लिक्विड भाप बन के चला जाता तो उस प्रोसेस को बोलते थे इवेपोरेशन. तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आयोडीन और सैंड है उनको अलग कर दिया जाता है, कौन से प्रोसेस से, सब्लिमेशन के प्रोसेस से. अगला है, अ मिक्सचर ऑफ टी लीव्स एंड आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड बाय. खुद से सोचो, आयरन को अलग करना है, आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट से चिपकना. फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन याद कर, फिल्ट्रेशन क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि कुछ भी है, चाय पत्ती है, चाय बनाई अपन ने, है ना, चाय बनाई है, चाय को बाहर निकाला, चाय पत्ती वो अलग रह गई, जो दूध है वो अंदर चला गया, फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया. चाय पत्ती अलग निकल गई क्योंकि वो फिल्टर जा ही नहीं पाए ना यार, बड़े बड़े चीजों में कैसे निकल सकती, तो अलग हो गई, तो वो फिल्ट्रेशन कहलाता है. लेकिन अपन को आयरन फिलिंग्स को निकालना है. टी लीव्स चाय पत्ती पड़ी, उसके अंदर आयरन की छोटी 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 फिलिंग्स, मतलब छोटे छोटे वो पड़े, उनको अलग अलग करना है. हैंड पिकिंग कर तो सकते हैं यार, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. हैंड पिकिंग हाथ से निकालना एक एक करके, भाई ये नट है ऐसे निकालेंगे, कब तक निकालते रहोगे भाई. मैग्नेट, भाई साहब डायरेक्ट अपना वड़ी लिया है मैग्नेट को,
मैग्नेट को लेके जाओ, बीच में रखो, सारे अपने आप चिपक के आ जाएंगे। अब तक अपन ढूंढ रहे थे, अब तक अपन सेपरेट कर रहे थे, अब आयरन जो अपने पास आ रहा है कि भाई मुझे सेपरेट कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? मैग्नेट। अच्छा पिछले का वो टिकिंग ही क्या मैंने, इसका आंसर था अपना सब्लिमेशन, इसका आंसर क्या हो गया अपना मैग्नेट। तीसरा, अ मिक्सचर, किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड केरोसिन कैन बी सेपरेटेड बाय, याद है दो अलग अलग लिक्विड है, इसको अलग कैसे किया जाता है? एक छोटी सी चीज होती थी जिसका नाम था फनल, ये अपनी याद है, ये अपनी छोटी सी बोतल है, इसका छोटा सा एक मुंह है, अब इस पे लगा दी जाती थी एक ऐसी छोटी सी पाइप जिसके अंदर डाला जाता था लिक्विड। लिक्विड कौन सा? एक मिक्सचर जिसके अंदर तेल है और केरोसिन है। केरोसिन जो होता है वो बिल्कुल पतला पतला सा होता है जो अंदर डायरेक्ट चला जाता है जल्दी जल्दी से, और अपना मस्टर्ड ऑयल, ऑयल है भाई, जितना ही डालो वो धीरे 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 रेंगता हुआ जाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, विस्कोसिटी बहुत खतरनाक वर्ड है, अभी सिक्स क्लास में सुनने का कोई खास मतलब नहीं, ठीक है। ये आप जानते हो ना, मतलब एक साथ में एक कोशिश करो, मतलब पानी एक में पानी की पानी डालो, ठीक है, पानी आपके हाथ में, एक तेल है अपने पास में, जैसे मैं बता रहा हूँ, अपने आप अज्यूम करना, घर पे मत करना, ये सारे ट्राई मत करना, वरना फालतू मेरा नाम बिगाड़ोगे तुम लोग। पानी को नीचे गिरोगे और तेल को नीचे डालोगे, पानी जो है जुप करके आगे की तरफ बह जाएगा, और जो अपना तेल है वो धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो इससे समझ पा रहे हो, जो केरोसिन है वो जल्दी से नीचे गिर जाएगा क्योंकि वो बहुत पतला होता है, आराम से गिर जाएगा। तेल जो होता है वो काफी मोटा और जाड़ा सा होता है, अरे यार तू भी बीच में आ जा, ठीक है, मोटा होता है जाड़ा होता है तो वो ऊपर ही रह जाता है। तो केरोसिन अपन ऐसे चेंज कर देते किससे, किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, समझे। अगला है अपने पास में, अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, इस दो मेटल है अलग अलग, इसको अलग करना है, किससे में अलग कर लोगे? सब्लिमेशन से, वापस नहीं बताऊंगा, मैं थक गया सब्लिमेशन बता बता के। अगला है अपने पास में, अ सॉलिड सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डाल दिया, सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व हो गया, जिसको पानी में डाला और वो घुल गया है, चाहे मानोगे अभी, चाहे अपने पानी में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, मिला दिया, मिल गया है, दिख भी नहीं रहा अपन को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट इट, कौन सा मेथड यूज करोगे? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन अपन अब चाय बनाते हैं, दूध के अंदर चीनी डालते हैं, मिला देते हैं, मिक्स हो जाता है, चाय निकालते हैं, क्या दूध में जब चाय पत्ती के साथ में क्या अपना चीनी भी बाहर आता है? नहीं आता भाई, फिल्ट्रेशन के मेथड से तो बाहर आएगा ही नहीं वो। इवेपोरेशन का मेथड होता है जिसके अंदर जो पानी पानी होता है वो भाप बन के निकल जाता है, और जो बड़ा बड़ा पीस होता है वो वहीं रह जाता है। अब चीनी है, पानी अलग अलग है, जो पानी है उसका भाप बनने का जल्दी होता है, तो जैसे ही उसको गर्मी देंगे वो भाप बन के उड़ जाएगा, चीनी वैसा का वैसा रह जाएगा, अलग हो गया। सब्लिमेशन का प्रोसेस दो जब अलग अलग बड़े बड़े पार्टिकल और सॉलिड होते हैं ना उनके लिए होता है, और लोडिंग तो सब जानते ही हो, कोएगुलेशन लोडिंग वाला है ना, इसका मतलब नहीं है एलम वेलम को यूज करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? इवेपोरेशन, समझ गए। ये थे आज के क्वेश्चन आंसर्स, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स जो बचे हैं अपन कल के लेक्चर में करेंगे, आज चैप्टर को यही खत्म करते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।